भारतीय सेना में पहली बार होगा कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं हुआ। अब कमांड भूमिका में नजर आएंगी महिला अधिकारी। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र की निगेबानी करेंगी भारत की वीरांगना। दुश्मन को धूल चटाने जंग के मैदान में उतरेंगी महिलाएं। भारतीय सेना में पहली बार महिला अधिकारियों को कर्नल बनाया जाएगा। इसके लिए सोमवार से प्रक्रिया शुरू होने जा रही है, जिसमें 108 महिला अधिकारियों को कर्नल रैंक पर प्रमोशन दिया जाएगा। सेना से मिली जानकारी के मुताबिक ये पहली बार है कि जब भारतीय सेना में इंजीनियर्स, मिलिट्री इंटेलिजेंस, आर्मी, एयर डिफेंस, आयुध और सेवा सहित शाखाओं में कमांड भूमिकाओं के लिए महिला अधिकारियों का चयन किया जाएगा। सेना का ये कदम सियाचिन ग्लेशियर में ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट में महिला अधिकारी को शामिल किए जाने के तुरंत बाद उठाया गया है, जिसके बाद सेना के लगभग सभी विभागों में महिलाओं को समान अवसर दिए जा रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि भारतीय सेना के विभिन्न विभागों में महिलाएं गर्व और आत्मविश्वास से सेवाएं दे रही हैं। महिला अधिकारियों को भी उनके पुरुष समकक्षों के बराबर अवसर दिया जा रहा है। कर्नल रैंक में टेनेंट कमांड असाइनमेंट के लिए महिला अधिकारियों के चयन की प्रक्रिया अब प्रगति पर है। बता दें कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के लिए एक साल में महिला कैडेट्स के लिए 20 वैकेंसी निर्धारित की गई है। इसके अलावा ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में एसएससी महिला अधिकारियों के लिए 80 वैकेंसी जारी की जाती है। सेना उड्डयन कोर की फ्लाइंग शाखा में महिला अधिकारियों की सीधी कमीशनिंग 2022 से शुरू हुई है। बता दें कि इससे पहले भारतीय सेना के फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स की महिला अधिकारी कैप्टन शिवा चौहान को दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में तैनात किया गया। कैप्टन शिवा 15,632 फीट की ऊंचाई पर मौजूद कुमार पोस्ट पर ड्यूटी कर रही हैं। भारतीय सेना ने पहली बार किसी महिला अधिकारी को इस खतरनाक पोस्ट पर तैनात किया है। फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी। कैप्टन शिवा चौहान फायर एंड फ्यूरी सैपोर्ट्स हैं। वो कुमार पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली भारतीय महिला हैं, जो अब दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र से भारत की सीमा की रक्षा कर रही हैं। कैप्टन शिवा ने इस जगह की तैनाती से पहले काफी कठिन ट्रेनिंग पूरी की। फायर एंड फ्यूरी कॉर्प्स का मुख्यालय ले में है, ये सेना के उत्तरी कमांड के तहत आता है। इनकी तैनाती चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर होती है, साथ ही ये सियाचिन ग्लेशियर की रक्षा करते हैं। आज कैप्टन शिवा 15,500 फीट की ऊंचाई पर मौजूद कुमार पोस्ट पर ड्यूटी कर रही हैं। यानी हम और आप महफूज हैं, तो इसमें शिवा के जाबाज कंधों का भी बड़ा सहारा है और अब ये सहारा बढ़ने जा रहा है। हम जब घरों में चैन की नींद सोते हैं तो कैप्टन शिवा चौहान और अब उनके जैसे कई और अधिकारी बर्फीले इलाके में अपने कुछ और साथियों के साथ निगाहें टिकाकर अपना फर्ज पूरा करने के लिए दिन रात जुटने वाली हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।